हेलो 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 गाइस, कैसे हैं आप सब? होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे होंगे और सबकी फैमिली के साथ अपने टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, बहुत खुश होंगे। सो गाइस, सबसे पहले आप सबको बहुत सारे शुभकामनाएं दीपावली की, धनतेरस की, भाई दूज की, और होप आप सबको बहुत सारी खुशियाँ मिलें और आप बहुत सारा इन्जॉय करो, खुश रहो फैमिली के साथ और अच्छे अच्छे मेमोरीज क्रिएट करो और बहुत सारे फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय करो। सो गाइज, आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ एक और ही मेकअप ट्यूटोरियल लुक, और ये ट्यूटोरियल लुक होने वाला है भाई दूज के लिए। और ये भाई दूज है, और भाई दूज में आप ऐसा मेकअप करना चाहते हो जिससे कि आप घर पे भी रह के कर सको और बाहर भी जाओ तो आप जा सको, और सिंपल मिनिमल लुक भी क्रिएट करो और सुंदर भी लगो। तो गाइज, ये मैंने लुक क्रिएट किया है, मिनिमम 5 to 10 मिनट्स मुझे लगा था क्रिएट करने के लिए। और मैंने सिंपली, मेरे हेयर बहुत छोटे हैं तो मैंने कोई भी एक्सेसरीज वगैरह नहीं स्टाइल की है, क्योंकि मैं मेकअप को और अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग ही मिनिमल और सिंपल रखना चाह रही थी। तो मैंने ये लुक क्रिएट किया है, और जैसे भी क्रिएट किया है मैं आपको साथ साथ वीडियो और फोटोज़ प्रोवाइड करती जाऊँगी, और जैसे भी जो चीज़ें क्रिएट करूँगी आपके साथ मैं शेयर भी करती जाऊँगी। होप आपको मेरा ये वीडियो और ये ट्यूटोरियल लुक अच्छा लगा हो, और इसको पूरा देखने के लिए आपको वीडियो इन तक ज़रूर देखना पड़ेगा। और लास्ट में अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वैसे मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आएँ तो मेरा नाम डॉक्टर शिवानी सिंह है। मैं वीडियो अपलोड करती हूँ हर ट्यूज़डे, फ्राइडे एंड संडे। मैं डेंटल हेल्थ सर्जन भी हूँ और पब्लिक हेल्थ वर्कर भी हूँ, बट मैं एज अ वीडियो क्रिएटर मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड करती हूँ, मेकअप ट्यूटोरियल अपलोड करती हूँ, हेल्थ से रिलेटेड अपलोड करती हूँ, बहुत सारी वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो उसको आप देखने के लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, मैं अपना लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, जिससे कि आपको मेरी लाइफ के भी न्यू अपडेट्स, जो भी मैं अपलोड करती हूँ, जो भी मैं लाइफ में कर रही हूँ, वो भी मिलता रहे। सो गाइस, बातें बहुत हो गई हैं और आज का ये मेकअप ट्यूटोरियल लुक, भाई दूज का जो लुक मैंने क्रिएट किया है, इसको स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैंने फेस वॉश कर लिया है अच्छे से, और उसके बाद मैं यहाँ पे मॉइस्चराइजर लगाऊंगी। तो ये है, यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैं न्यूट्रीडर्म का मॉइस्चराइजर, इसमें है विटामिन ई, और ये ऑल स्किन सूटेबल है, अमेजोन पे अवेलेबल है गाइस, आप चेकआउट कर सकते हो। इसको मैं अच्छे से लूंगी और अपने फेस पे अच्छे से मसाज करूंगी जब तक ये एब्जॉर्व नहीं हो जाए। एब्जॉर्व होने तक मैं इसको फेस पे रेस्ट करने के लिए रहने दूंगी, और उसके बाद मैं इसमें टोनर लगाऊंगी। टोनर लगाने से जितने भी पोर्स हैं आपके वो अच्छे से ओपन हो जाएंगे और मेकअप बहुत अच्छे से फ्लॉलेस आता है। तो यहाँ पे मैं गुड वाइब का ग्रीन टी टोनर यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है गाइस, आप चेकआउट कर सकते हो, अमेजोन पे अवेलेबल है, पर्पल पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैंने टोनर लगा लिया है, इसको भी अब्जॉर्व होने तक रहने दिया था। देन यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ नायका का प्रेप मी अप प्राइमर। तो ये गाइस मेरी ऑयली स्किन है तो इसके लिए बहुत ही अच्छा जेल बेस में है, इसको मैं अच्छे से हैंड पे वार्म करूंगी, और उसके बाद जितने भी मेरे टी जोन एरिया है जहाँ पे मुझे ऑयल प्रोड्यूस होता है वहाँ पे मैं अच्छे से लगा के इसको मसाज करूंगी, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए और मेरे जो पोर्स हैं वो अच्छे से स्मूदन अप हो जाएं, और बहुत ही फ्लॉलेस बेस आता है इससे। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से ये सेट हो गया है फेस पे, और एकदम मैट फिनिश आ गई है प्राइमर लगाने के बाद ही। तो जितना भी एक्सेस था उसको मैंने पूरे ऑल ओवर फेस पे लगा लिया है। और ये कि ये ट्रिक है, आपको अपना सेटिंग स्प्रे लगाना है। मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ मेकअप से पहले। तो आपके अगर ऑयली स्किन है या बहुत ही गर्मी है तो आप मेकअप सेट करने के लिए ये ट्रिक अपना सकते हो। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ के ब्यूटी का फाउंडेशन है गाइज ये, और इसको ये पम्प वाला है, इसको मैं लेके अच्छे से अपने फेस पे लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी ये मिनिसो का ब्यूटी ब्लेंडर है, और इसकी हेल्प से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। मैंने इसको वेट पूरा अच्छे से वेट कर लिया था, तो ये डैप करने के बाद ही इसको आपको डैबिंग मोशन में करना है, आप बिल्कुल भी ड्रैग नहीं करो। जितना अच्छा आपकी ब्लेंडिंग होगी उतना ही अच्छा आपका बेस निकल के आएगा, और बहुत देर तक आपका फेस पर मेकअप अच्छे से सेट रहेगा और बहुत ही फ्लॉलेस बेस आता है। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लेंडिंग अच्छे से कर रही हूँ टाइम लेके, जिससे कि एकदम इवन फिनिश में आया मेकअप। मैं नेक पे भी लगाना मत भूलिएगा, एकदम भी नेक है आपके ईयर एरिया है जहाँ भी, बिल्कुल अनइवन स्किन टोन नहीं रहना चाहिए। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी का कंसीलर, और ये हल्का सा हाई थोड़ा सा मेरे शेड से है, जिससे कि ये हाइलाइटर का भी काम करेगा, और एक शेड मैंने लाइट भी लिया है जिससे कि ये कंसील भी कर देगा अच्छे से, और मेरी ऑयली स्किन है तो उसके लिए भी बहुत बेस्ट रहता है, ये बहुत देर तक अच्छे से फेस पर रहता है। तो इसको भी गाइस सेम मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करूंगी, और जहाँ जहाँ मैंने लगाया है सिर्फ उसी एरिया पे मैं ब्लेंड कर रही हूँ। इसको आपको बिल्कुल भी कहीं एक्स्ट्रा एरिया में नहीं ले जाना है।
आप देख सकते हो अच्छे से स्किन पे ये सेट हो गया है एकदम, और बहुत ही अच्छे से डार्क सर्कल्स थे मेरे रिमूव हो गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड भी कर रहा है, और ये ब्लेंडर भी बहुत अच्छे से आपके फेस पे देखिए हेल्प कर रहा है ये ब्लेंडिंग करने में। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी का लूज फिनिशिंग पाउडर, गाइज बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और ये मेरे पास है मिनिसो का पूरा ब्रशिंग का किट है पूरा ये, तो मैं आज इसको ट्राई करने जा रही हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम और आपके साथ शेयर करूंगी। ये 6 ब्रश का सेट आता है, तो इससे मैं अच्छे से लूज पाउडर को अपने फेस पे जहां जहां मैंने कंसीलर लगाया था वहां पे इससे सेट कर रही हूँ पूरे कंसीलर को पूरे फेस पे। आप चाहो तो पूरा फेस सेट कर सकते हो इसी से ही, बट मैं जितना भी एरिया था जहाँ पे मैंने कंसीलिंग की है वहाँ पे मैं सेट कर रही हूँ उसको लूज फिनिशिंग पाउडर से। आप चेकआउट करिएगा गाइस, मेबलिन फिट मी का लूज फिनिशिंग पाउडर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी के 12 शेड आई शेडो पैलेट है ये, और इसको मैं लेके जो पिंक वाला शेड था उसको लेके अच्छे से ब्लेंड करूंगी वही मिनिसो का जो मैंने ब्रश सेट लिया है उसी से। आपको आईज़ की ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छे से करनी है और बिल्कुल हरी नहीं करना है, एकदम टाइम लेके आप ब्लेंड करोगे तो बहुत ही अच्छे से आई बेस आपका बहुत प्यारा निकल के आता है। तो यहाँ पे मैं एकदम न्यूट्रल कर रही हूँ जिससे कि एकदम हाई भी नहीं लगे और एक प्यारा सा ट्रांजिशन शेड मेरे आईज़ पे आ जाए। तो ये मैंने ब्राउन शेड लिया था, इसको मैंने दोनों आईज़ पे ब्लेंड कर लिया है अच्छे से, आप देख सकते हो एकदम अच्छे से ट्रांजिशन शेड मेरे आईज़ पे आ चुका है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये ग्रीन वाला जो हल्का सा शेड है, ये स्काई दिख रहा है बट ये ग्रीन है, और इसको मैं लेके अच्छे से ब्लेंड करूँगी बाहर के एरिया पे जिससे कि एकदम हल्का सा स्मोकी लुक भी आए और अच्छे से ब्लेंडिंग करे। सेम मैं ऐसा दूसरे आईज पे भी करूँगी। अब मैं यहाँ पे हल्का सा और जो डार्क शेड है ग्रीन वाला, बॉटल ग्रीन टाइप का है, उसको ले रही हूँ और इससे बाहर के एरिया पे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। और ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है गाइस, आपको बिल्कुल भी हरी नहीं करना है जैसा मैंने आपको बोला, और आप देखिएगा एकदम अच्छे से ब्लेंडिंग होने के बाद पूरा जितना भी कलर हम लोग यूज़ करते हैं एकदम मिक्स हो जाता है और ब्लेंड आराम से होता है और बहुत ही प्यारा शेड निकल के आता है। तो आप देखिएगा मेरा एकदम जो शेड है मेरे कुर्ते का उसकी मैचिंग का पूरा शेड आगे आई है। मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है गाइस क्योंकि बाहर फटाके बहुत ज़्यादा जल रहे थे और दिवाली की वजह से, तो मुझे ये ब्लेंडिंग वगैरह करके अच्छे से वॉइस ओवर देना पड़ गया था। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये वाइट वाला हल्का सा मिक्स करके जिससे कि ये पूरा जो ऊपर का एरिया है इसको मैं एकदम ब्लेंड कर दूँ, हल्का सा पूरा फिनिश ब्राउनिश वाले में आ जाए। सेम दूसरी आईज पे भी कर लेंगे हम ऐसे ही। आप कोई भी कलर अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का लिक्विड आई शेडो ग्लिटर वाला है ये, तो इसको मैं अच्छे से ग्लिटर लगा रही हूँ। ये हल्का सा ब्रॉन्ज और गोल्डन फिनिश में था, तो आप देख सकते हो जो मेरे कुर्ते पे गोटा पट्टी का वर्क हुआ है उसी की मैचिंग लग रही है, तो मैंने उसका यूज़ करके ग्लिटर लगाया है हल्का सा, और ये बहुत ही शाइन करने लगा है जिससे कि आई का मेकअप लुक अच्छा हो गया। और यहाँ पे नायका की मैं ब्रो किट यूज़ कर रही हूँ, इससे मैं लूँगी डार्क ब्राउन शेड, और पहले स्पूली की हेल्प से अच्छे से आप आईब्रो को सेट कर लो, देन उस पर आप ब्राउन शेड से लगाओ। वैसे इंडियन स्किन टोन के लिए मैं हमेशा आपको बोलूँगी कि आप ब्राउन स्किन कलर का ही जो लीजिए आई शेडो इन्हेंसर जिससे कि आपके आईब्रोज बहुत अच्छे से फैलाएँ। अगर आप बहुत ब्राइट कलर के हो, फेयर कलर के हो, तो आप ब्लैक भी यूज़ कर सकते हो, बट फॉर मी इंडियन स्किन टोन के लिए मेरे हिसाब से डार्क ब्राउन शेड बहुत ही अच्छा खिल के आता है और नेचुरल आईब्रोज दिखती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से लगा लिया, और आप देखिएगा दोनों आईज में कितने अच्छे से चेंज आ गया है इसमें और इसमें। तो अब हम इसको और दूसरे आईज को भी अच्छे से सेट कर लेंगे। तो दोनों आईज मेरी ये दोनों आईज अच्छे से कंप्लीट हो गई। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का पैलेट है ये, और इससे मैं हाईलाइटिंग कर रही हूँ कि अपने आईज के जो एरिया है साइड कॉर्नर्स को। इन कॉर्नर्स को भी मैंने कर लिया है, और सेम स्विस ब्यूटी का मैं आईलाइनर ले रही हूँ, जेल आईलाइनर है ये आईज, और इससे मैं अपने आईलाइनर को अच्छे से लगाऊंगी। आप देख सकते हो दोनों आईज अच्छे से लग गया है आईलाइनर, और अब मैं हल्के से आई कलर को आईलैशेस को कर यूज़ कर रही हूँ जिससे कि आईलैशेस हल्के से कर्ल हो जाएं, और इस पर मैं मस्कारा लगाऊंगी। मैं फॉल्सेस नहीं यूज़ कर रही हूँ जिससे कि थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक टाइप का रुक रहे हमारे फेस पे, तो इसके लिए मैंने यूज़ किया है। सेम मैं स्विस ब्यूटी का मस्कारा भी यूज़ कर रही हूँ, और इससे मैं अच्छे से अपने आईलैशेस को कर्ल करने के बाद मस्कारा लगा रही हूँ जिससे कि आप देखिए एकदम लिफ्टेड आईलैशेस जो दिखेंगी हमारी, तो हमें फॉल्सेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है इसमें।
लोअर लैश लाइन को भी आपको अच्छे से करना है, और सेम मैं उसमें से अपने स्विस ब्यूटी पैलेट से ले रही हूँ ब्राउन शेड वाला, और उसमें ग्रीन को मिक्स करूँगी और लोअर लैश लाइन पे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। तो मैं काजल यूज़ नहीं करती हूँ गाइस, तो मैं आई शेडो और आईलाइनर को मिक्स करके ही लगाती हूँ। ब्राउन शेड भी मैंने लिया है, इसको भी अच्छे से लगा लिया है जिससे कि एकदम प्यारे से ब्लेंडिंग आ जाए, एज अ काजल भी दिखे और आई शेडो एकदम अच्छे से ब्लेंड हो प्रॉपर। आप देख सकते हो दोनों आईज़ को, और जितना भी एक्सेस था तो उसको मैं रिमूव कर देती हूँ, उससे ब्रश की हेल्प से कर लो, नहीं तो आप स्पॉन्ज की हेल्प से रिमूव कर सकते हो जो भी एक्सेस आपके आईज़ पर गिरा हो। अब मैं हाईलाइटर वाला शेड ले रही हूँ स्विस ब्यूटी से ही, उससे हाईलाइटिंग कर रही हूँ। एकदम सिंपल रखा है गाइस मैंने लुक, और बिल्कुल भी ब्राइट नहीं करा जिससे कि आप बाहर भी जा सकते हो, रात के पार्टीज़ में भी कर सकते हो, और भाई लुक में तो भाई दूज में ये लुक बहुत ही प्यारा लगने वाला है गाइस। तो ये मैं ब्लशर भी उसी पैलेट से ले रही हूँ, और बहुत ही प्यारा पैलेट है गाइस, अराउंड 350-400 के अंदर रेंज में आता है, और ब्रॉन्जर भी है इसमें, तो ब्रॉन्जर से हल्का सा ब्राउजिंग भी कर लूंगी जिससे कि आप देखिए हल्का सा कट क्रीज आपके फेस पे आएगी, तो फेस हल्का सा लिफ्टेड दिखता है इससे। तो मैं अपना पूरा आर्क शेप अपने फेस पे दे रही हूँ जहां जहां मुझे जरूरत लग रही है। हाईलाइटिंग थोड़ी ज्यादा करी है मैंने क्योंकि फेस का जो मेकअप है वो हल्का सा मुझे शाइनीस रखना था अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग। अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ लैक्मे की 9 to 5 पोरलेस मैट फिनिश की लिपस्टिक है ये, तो इसको मैं लगा रही हूँ। अभी मैं इसके ऊपर दूसरी यूज़ कर रही हूँ लैक्मे 9 to 5 की, ये भी है शेड, तो पिंक शेड मुझे कम अच्छा लग रहा था तो मैंने इसके ऊपर ये लगाया है। तो अभी देखिएगा थोड़ा सा चेंज आया है, और मैं सिंपली हेयर स्टाइल सिंपल रख रही हूँ क्योंकि मेरे हेयर बहुत शॉर्ट है, और 2-3 दिन से कंटिन्यू मेकअप करके दिवाली का एक्स्ट्रा तो बहुत ज़्यादा फेस में दिक्कत हो गई थी, तो मैं इसलिए सिंपल हेयर स्टाइल रख रही हूँ। बट ये भी शॉर्ट हेयर्स के लिए बहुत अच्छा लगता है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिंपली इस तरह से हेयर स्टाइल कर सकते हो, और ये भी बहुत ही सिंपल वे में अच्छा आता है। अब मैं एसेसरीज डाल रही हूँ, ये मैंने लिया था everstylist.com से, और आपको सिंपली हर आप ऑनलाइन भी चेकआउट कर सकते हो। फाइनली गाइस मैं थर्ड टाइम लिपस्टिक शेड लगा रही हूँ क्योंकि वो भी मुझे समझ में नहीं आया था, हल्का सा मैट हो गया था, तो ये मैं न्यूड शेड यूज़ कर रही हूँ लैक्मे एनरिच की है, और बिंदी तो मस्ट है गाइस क्योंकि भाई दूज का ओकेजन है, तो छोटी सी एकदम सिंपल मैंने लगाई है। दिस इज द फाइनल लुक, और ये लुक मैंने क्रिएट किया है, और बहुत ही इजी वे में हो गया है, बहुत ही सिंपल रखा है। ऊपर जो मेरे ड्रेस के अकॉर्डिंग ग्रीन कलर रखा था, मैंने लिपस्टिक चेंज करी है एज यू आपने देखा है, क्योंकि बहुत ही पिंकिश टाइप का लग रहा था मुझे आईज को, और लिप्स भी बहुत डार्क डार्क दिख रहे थे, तो मैंने चेंज कर लिया है, मैंने न्यूट कर लिया, तब भी हल्के से ब्राउनिश में दिख रही है, बट ये लुक चल जाएगा। और ये इयररिंग्स मैंने everstylist.com से लिए थे, वही पहने मैंने, और कोई ज्वेलरी नहीं पहनी है पूरे उसमें, क्योंकि मुझे थोड़ा सिंपल रखना है, और भाई दूज ऐसा ओकेजन होता है कि आप थोड़ा सिंपल भी रह सकते हो, थोड़ा सा ब्राइट लुक भी क्रिएट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जैसे आपको मन करे आप वैसे कर सकते हो। मैंने बिंदी पे सिंपली लगाई है, तो इस तरह का लुक मैंने क्रिएट किया है, और एक कुर्ता सेट से स्टाइल किया हुआ है, आपको साइड में मैं पिक और वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी जिससे कि आपको देखने को मिलेगा कि ये कॉटन का है, प्योर कॉटन का, सिंपल है गाइज, आप इसको किसी भी ओकेजन पे भी पहन सकते हो, और ये मेकअप लुक भी आप किसी भी ओकेजन पे क्रिएट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, आप चेंज कर सकते हो कलर लिपस्टिक का, फेस का, आई शेडोज का, बट बहुत ही कम समय में ये मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है। सो गाइज होप आपको मेरा ये वीडियो और ये मेकअप ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं इसी तरीके से आपके लिए न्यू वीडियोज, न्यू मेकअप ट्यूटोरियल जो भी मैं बना पाई लेके आती रहूंगी, और आपको इसी तरीके से एंटरटेन करती रहूंगी। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपके साथ जुड़ी रहूंगी, और फिर हम नेक्स्ट टाइम लेंगे इस तरीके से एक न्यू वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय।